आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलने दिल्ली पहुंचे हैं हरियाणा भवन, उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ में किस तरीके की चर्चा होने वाली है? भाई एक बार थोड़ा हमारी निर्देश करवा दो उस्ताद में। हाँ बोलो भाई, बैठक करने आए हुए तमाम खिलाड़ी भी साथ में आए हैं, किस तरीके का? सभी खिलाड़ी आए हुए हमारे, जितने ओलंपिक मेडलिस्ट भी हैं, साक्षी मलिक है, गीता है, बबीता फोगाट हैं, और प्रीतम में शिवास है, अर्जुन अवार्डी वो की पहले कप्तान रह चुकी हैं, वो सभी अर्जुन अवार्डी, द्रोणाचार्य अवार्डी हमारे कोसावराम फलमान है, ओम प्रकाश जी हैं, महावीर बिश्नोई जी हैं, सभी खिलाड़ी आए हैं, इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा अपने खिलाड़ी हैं। यही दिल्ली आए हुए हैं, राजनीतिक दृष्टि से भी इसको देखा जा रहा है क्योंकि बड़ौदा उपचुनाव आपने चुनाव लड़ा था, इसको किस तरीके से देखिए, कैसे लगाया जा रहा है कि जो पैनल गया भारतीय जनता पार्टी का उसमें आपका भी नाम है, तो किस तरीके से देखिए? यही है कि आज ये आशा सुन रहे हैं सीएम साहब की भाई इस बार हम बड़ौदा जीत के आएंगे और आपकी जोड़ी में डालेंगे। एक ये चर्चा चल रही है कि तमाम खिलाड़ियों को इसलिए लाया गया ताकि जो कहीं ना कहीं जो एक जो दिमाग में रह जाता है कि कहीं टिकट ना कट जाए, इसलिए जो है कहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये है कि पिछली बार जो कमी रही थी, एक कम टाइम मिला था, हम इतना नहीं पहुंच पाए, खिलाड़ी तक भी नहीं पहुंच पाए थे हम, ये सभी खिलाड़ी आई है कि भाई इस बार ये पूरा टाइम हल्के में लगाएंगे और जीत दिलाएंगे, इस बार जीतेंगे, बिल्कुल 100% जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पहलवान योगेश्वर दत्त जिन्होंने जनता टीवी से खास बातचीत की और पूरी उम्मीद जता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर जीतती हुई नजर आएगी। कैमरामैन आसिफ के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी दिल्ली।